हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी, वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन शेयर के बारे में। बहुत से सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि मैम डिविडेंड नहीं मिला, तो फ्रेंड्स एक बार चेक कीजिए अपना बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट, डिविडेंड सबको आ चुका है। प्लीज़ एक बार दोबारा चेक कीजिए सो दैट आपको उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं मैम क्वार्टर टू का रिजल्ट कब आएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, अभी तक मैनेजमेंट ने डेट को डिस्क्लोज नहीं किया है। क्वार्टर टू की डेट जो है अभी तक नहीं आई है हमारे पास, तो जैसे ही आएगी मैं वैसे ही आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर बता दूंगी। जैसे ही आती है अपडेट, हो सकता है विद इन अ वीक आ जाए। आज का करेंट प्राइस था 8.06 का, गिरावट थी 1.23% की। 52 वीक हाई 19 है, लो है 6, टर्नओवर 84 लाख का एंड 757 करोड़ का मार्केट कैप है। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है, तो बिजनेस डूबने का कोई भी खतरा नहीं है। बिकॉज 600 प्लस प्रोडक्ट रेंज है इनकी ग्लोबली, 16 प्लस कंट्री में बिजनेस इनका एक्सपैंड हो चुका है। अभी एक पैनी स्टॉक है बट पोटेंशियल ज़्यादा है इसमें। 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी कंपनी, तो कोई नई कंपनी भी नहीं है। 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी। प्रोमोटर्स होल्डिंग भी शानदार है 50.57%। तो अब देखते हैं आप प्रोमोटर्स ने होल्डिंग में कुछ चेंज किया है या नहीं किया। FII ज़ीरो है फ्रेंड्स इसमें, DII भी ज़ीरो है, तो प्रोमोटर होल्डिंग में कुछ चेंजेस नहीं आए। सेम की सेम है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन, 50.57%। जून में प्रॉफिट आया था 3.87 करोड़ का, तो अब देखना है कि सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ के आता है या उतना ही आता है, तो इस चीज़ का वेट है। तो फ्रेंड जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा क्वार्टर टू का, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी वीडियो के थ्रू, आप बस बेल बटन प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट टारगेट आप 8.50 का इसमें लेके चलते हैं। फ्रेंड्स एक रेंज में मूव कर रहा है, 9 रुपीज़ तक जाता है फिर नीचे आ जाता है। आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो राइट टाइम पर एंट्री एंड एग्जिट लेके। तो अब नेक्स्ट टारगेट आप 8.50 का इसमें कंसिडर करके चल सकते हैं उसको। 9 रुपीज़ का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा तो ही एक अप ट्रेंड रैली आएगी। अगर 9 से ही दोबारा बाउंस बैक कर जाता है तो फिर ये गिरावट की तरफ जाता है 8 रुपीज़ तक, फिर 8 to 9 के बीच में ही मूव कर रहा है फ्रेंड्स। लेकिन हमें एक बड़े ब्रेकआउट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 20% का सर्किट है इसमें फ्रेंड, तो अगर लगेगा तो 20% का अपर सर्किट लग सकता है या लोअर सर्किट भी लग सकता है, चांसेस ज़्यादा तो अपर सर्किट लगने के ही हैं। सो नेक्स्ट टारगेट 8.50 का मैंने आपको दे दिया है। क्वार्टर टू के रिजल्ट की डेट आने वाली है, सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं हुए, सेम का सेम है फ्रेंड्स। डिविडेंड के बारे में एक बार प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए, सबको डिविडेंड आ चुका है, तो आपको पहले ये भी चेक करना है आप एलिजिबल थे भी डिविडेंड के लिए या नहीं थे। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब।